नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। इस समय मैं राजगढ़ के पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूं और एक बड़ी खबर है इस समय की कि राजगढ़ में आज सुबह तकरीबन 5 बजे की बात है, एक सरकारी बस को है यहां से उठा लिया गया और राजगढ़ पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मात्र 2 घंटों में उसे दस्तियाब किया है और थाने में इस समय बस खड़ी है। हम पूरी जानकारी आपको देंगे, उससे पहले कुछ विजुअल दिखाने का प्रयास आपको करेंगे कि आखिर ये घटना इतनी बड़ी हुई तो कैसे हुई। एक आपराधिक गतिविधि का व्यक्ति जिसे हालांकि आप विजुअल में देख रहे होंगे, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति है ददरेवा का है। सुबह 5 बजे तकरीबन 5 बजे यहाँ से बस उठाई गई थी और पुलिस ने नाकाबंदी कर पुलिस ने जगह जगह CCTV खंगाले हैं और टोल टैक्स पर भी इसकी सूचना दी गई थी और जानकारी ली गई थी। हालांकि पुलिस ने कहा है कि ददरेवा में मात्र 2 घंटे बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर उस युवक को है गिरफ्तार किया है, पकड़ लिया है। अब वो युवक है अब पुलिस कस्टडी में है। क्या इस रोडवेज की ही चोरी हुई थी या इसके पीछे कोई और भी बड़ी चोरियां हुई हैं, इसकी पूछताछ वो पुलिस प्रशासन अब लगातार है उस युवक से कर रहा है। हालांकि युवक को मैं बताऊं कि राजगढ़ पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी के रूप में मानी जाए, 2 घंटे के अंदर मात्र है वो बस को यहां पर थाने में ले आए और ये तस्वीरें आपके साथ हैं। यहां के पुलिस प्रशासन ने क्या कहा है हमारे से बातचीत करते हुए, वो भी आपका सुनाने का प्रयास हम करेंगे। लेकिन ये बड़ी कामयाबी इस समय की, हाँ बार बार हम देख रहे हैं कई बार पुलिस प्रशासन की छवि को है उसको टारगेट किया जाता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं तारीफ करने वाली छवि पुलिस प्रशासन की है वो सामने निकल के आ रही है। एक बड़ी खबर इस समय की है कि पुलिस ने मात्र 2 घंटे में इसके जो चोरी करने वाला युवक था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है ददरेवा से। और अब पुलिस प्रशासन ने क्या है वो सुनाते हैं, सुनिए। मेरी रात्रि को ड्यूटी थी, मैं कस्बा में गश्त में व्यस्त था। उसी दौरान थाना से जरिए टेलीफोन इतला मिली कि बस स्टैंड राजगढ़ से एक रोडवेज बस को कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया है, जिस पर मैं और मेरा जाप्ता कस्बा राजगढ़ तरन नगर तिराया बाईपास हिसार जगजगढ़ टूल नाकों पर बस की तलाश की गई। आल थाना अधिकारियों को बस को जब्त करने के लिए क्वेस्टी करवाई गई। पचमन सहुनी विजय सिंह व जाप्ता तलाश करते हुए और CCTV फुटेज के माध्यम से हम ददरेवा की तरफ रवाना हुए तो एक बस रोडवेज हमको ददरेवा गांव के सुकून के पास खड़ी दिखाई दी, जिसमें एक शख्स बैठा हुआ था जो पुलिस और पुलिस की गाड़ियों को देखकर गाड़ी से उतरकर भागने लगा, जिसको हमने काबू कर उसका नाम पता पूछा तो अपना नाम रमेश पुत्र शीशराम धाड़क निवासी ददरेवा बताया और शख्स को वह चोरी की रोडवेज बस को हम दस्तयाब करके थाना परिसर में लाकर खड़ी की। आरोपी को शख्स को निगरानी में किया गया, वह पूछताछ जारी है और हमने कुछ ही घंटों में माल मुलजिम को पकड़कर थाना में लाए। इस घटना को देखते हुए सवाल ये उठ रहा है कि इस घटना को, ऐसी घटना को आखिर अंजाम क्यों दिया गया, क्या कारण थे, क्या मंसूबे थे इनके, इस युवक के, कि राजगढ़ से गाड़ी ले जाकर सरकारी रोडवेज है उसको ले जाकर ददरेवा में छोड़ता है, वहां पर पुलिस नाकाबंदी कर पकड़ती है। हालांकि इसके पीछे का रिकॉर्ड कैसा है अब वो सभी फाइलें खंगाली जा रही हैं, पुलिस है इस पर जांच कर रही है, लेकिन उद्देश्य क्या रहा होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है।